सामने आ सकते हैं। वहीं नोएडा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला जो है वो सामने आया है। ठग ने महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा है। आपको बता दें, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के डर दिखाकर ठग ने 1.30 करोड़ रुपए इस महिला से जब्त किए हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, किसी भी महिला को ऑनलाइन वीडियो में सामने बैठा कर रखना, उसे ये साफ तौर पर कहना कि हम किसी संगठन से हैं या किसी ईडी के हैं या पुलिस हैं और आपको हमारे सामने ही बैठना। इस तरह की घटना यहाँ पर सामने आई है और इसी को लेकर के क्या कुछ चीजें सामने आई है ये भी सुनिए। नोएडा एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। यहीं अभी फिलहाल में एक महिला डॉक्टर से 1,30,00,000 की डिजिटल जालसाजों ने ठगी की है। आपको बता दें कि 5 दिनों तक लगातार उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा और ये कहा कि आपके नाम का जो पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और उसमें तकरीबन 5 किलो अवैध कपड़ा है, फर्जी पासपोर्ट है और कई ऐसी सामग्री है जो कि इलीगल है। ये कह के उनसे कहा, महिला से जो कि नोएडा की डॉक्टर महिला है, उससे कहा कि अब आपको हम पूछताछ के लिए स्काइप पे बुलाएंगे, वहाँ पे आपकी जवाबदेही होगी। महिला डर जाती है, स्काइप के जरिए उन जालसाजों के सामने जुड़ जाती है और जालसाज इतने शातिर होते हैं, इतने हाईटेक होते हैं कि अपने पीछे पूरे बैकग्राउंड में दिखाते किस तरीके से एक अधिकारी जो कि पूरी वर्दी पहनता है और ये कहता है कि आपका जो पार्सल है, आपके आधार कार्ड से तकरीबन 6 बैंक खाते चल रहे हैं और उस पार्सल में अवैध सामान मिला है, आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। महिला डॉक्टर को समझती, उससे पहले वो स्काइप कॉल पर जुड़ जाती है और उसको लगता है कि सच में मेरे आधार कार्ड का दुरुपयोग उपयोग हुआ है। तकरीबन 5 दिनों तक स्काइप पर लगातार बनी रहती है, यानी कि सोते वक्त भी जो स्काइप की वीडियो होती है वो बंद नहीं करती और ऐसे करके तकरीबन उस महिला के खाते से 1,30,00,000 रुपये पिछले 5 दिनों में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। महिला को जब लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो नोएडा के सेक्टर 37 जो ये साइबर थाना है वहाँ वो मुकदमा दर्ज कराती है। एसीपी विवेक रंजन का साफ तौर पे कहना है कि देखिए सेक्टर 49 में जो डॉक्टर महिला है वो रहती है और उन पर एक अनजान नंबर से 13 तारीख को कॉल आई थी, यानी कि 13 जून को कॉल आई थी, उन पर कहा गया कि आपके पार्सल में ड्रग्स है, तमाम पासपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, आपको स्काइप के जरिए जुड़ना पड़ेगा। स्काइप पर जो दूसरा जालसाज होता है वो अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का हेड बताता है, ईडी का हेड बताता है, तो कहीं ना कहीं महिला उस चुंगल में फंस जाती है। ऐसे ना जाने नोएडा एनसीआर में कितने मामले आ चुके हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए जो जालसाज है बैंक के खातों से ठग लेते हैं। जब तक पीड़ित को ये पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तब तक वो अपना फ़ोन नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। इंडियन न्यूज़ आपसे यही अपील करेगा कि अगर आप पे कोई अनजान नंबर से कॉल आता है और ये कहता कि आपके नाम से फर्जी पासपोर्ट या फर्जी पार्सल कहीं मिला है तो तुरंत अपने नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। का ये पूरा के पूरा मामला सामने आया था। आपको बता दें, महिला के साथ ये डिजिटल अरेस्ट किया गया और इसी के साथ साथ 1.30 करोड़ रुपए भी उस महिला से हड़प लिए गए। डिजिटल अरेस्ट में आपको बताया जाता है कि हम अधिकारी हैं या और कुछ है और आपको इस कैमरे के सामने ही बैठे रहना है और इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। और इसी के साथ साथ इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं, यहां पर भी ये अरेस्ट का मामला सामने आया है, इस मामले में क्या लोग जागरूक नहीं है? क्योंकि लगातार हम भी खबरें दिखाते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस को लेकर के लगातार कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटना लगातार सामने आ रही है। महेंद्र, बिल्कुल, देखिए लगातार नोएडा में ही पिछले 6 महीने में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें होता क्या है, किसी भी अनजान नंबर पे किसी भी व्यक्ति महिला पे पहले फोन जाता है और ये कहते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है उससे तकरीबन कई खाते लिंक है और आपके नाम से एक पार्सल है जिसमें ड्रग्स है, अवैध पासपोर्ट है और उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसको लेकर आपके पासपोर्ट को पकड़ा गया है और आपके साथ पूछताछ की जाएगी। ऐसे में जो सामने बैठा पीड़ित होता है कहीं ना कहीं डर जाता है, उसको तो फिर ये लोग ये झांसा देते हैं कि हम लोग मुंबई कमिश्नर के अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, हम इनकम टैक्स के अधिकारी हैं और जो क्रोमा होता है यानी कि ये पूरी तरीके से अपने आप को अधिकारी बनाने के लिए बाकायदा ड्रेस पहनते हैं, पीछे टोपी टांगी जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ सामने जो आपसे बातचीत कर रहे हो किसी बड़े अधिकारी
अधिकारी है और वो आपसे ये कहता है कि देखिए आपको हम स्काइप कॉल भेजते हैं, या तो आप वीडियो के माध्यम से हमारे सवाल का जवाब दीजिए या आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कि वीडियो के माध्यम से मैं जुड़ जाऊं और तमाम सवालों के जवाब दूं, मगर स्पीच वो उसको ये कहते हैं कि आपको हम स्काइप लिंक देते हैं, वहां से आप जुड़िए और आपको हटना नहीं होगा, हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। वो उससे कहते हैं कि देखिए आपके नाम से ये पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं आप लोग इसमें शामिल है, और ऐसे में हम आपके सारे बैंक खातों को फ्रीज करते हैं, आपके जितने भी पैसे हमारे खाते में ट्रांसफर कर दिए। जो पीड़ित होता है कुछ समझे उससे पहले इसके सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं, और जब वो लगता है कि मेरे साथ ठगी हुई है जब तक वो उसको फोन करता तो अपना पूरा सारा फोन नंबर जो सेटअप होता है पूरा हटा लेते हैं। अभी जो ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 49 का है, एक महिला डॉक्टर है, उसपे साफ तौर पर फोन किया जाता है कि देखिए आपका जो पार्सल है वो मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है, फेडिक्स जो पार्सल है उसमें ड्रग्स है, तमाम ऐसे दस्तावेज है जो पूरी तरीके से इलीगल, आपको या तो मुंबई आना पड़ेगा या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से आपको जुड़ना पड़ेगा, सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महिला 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहती है, यानी कि 5 दिनों तक उनके स्काइप वीडियो पर लगातार बनी रहती है, यानी कि पिछले 5 दिनों से लगातार वो स्काइप कॉल काटती भी नहीं है, सोते समय भी जो वीडियो कॉल है वो ऑन रखती है। पहले उससे 30 लाख रुपए अटे जाते, फिर उसके बाद तकरीबन उससे 1 करोड़ 30 लाख की। जी महेंद्र, ये पूरा के पूरा सनसनीखेज मामला जो है ये सामने आया है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर के लगातार जागरूक करते आए हैं, साइबर सेल इस मामले को लेकर के जागरूक करते आए। कल हमारे साइबर थाने में एक FIR नंबर 51/24 दर्ज किया गया है, जिसमें सुचि अग्रवाल नामक महिला के द्वारा थाने को बताया गया कि दिनांक 13/6 को फेडिक्स कुरियर के अंधेरी ब्रांच के द्वारा उन्हें कॉल किया गया और ये कहा गया कि एक हमें एक पार्सल मिला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, पासपोर्ट है, कुछ कपड़े हैं, आईपैड है, LCD है, आधार कार्ड है, और उसमें उस आधार कार्ड से लिंक आपके कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं और जिसपे कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं, उस बैंक अकाउंट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये ऐसा लगता है कि आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। इस बात का दबाव बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि आप स्काइप ऑनलाइन स्काइप कॉल पर ही आपको नारकोटिक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से मैं बात कराती हूँ, और उस महिला ने स्काइप इनके सिस्टम पे इंस्टॉल कराया और एक वरिष्ठ नारकोटिक्स विभाग के अफसर बनकर एक व्यक्ति ने इनके साथ इन बातों का हवाला देते हुए इन्हें डराया धमकाया और करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए विभिन्न दिए गए विभिन्न